Hi kids, welcome to your SST class. And once again, I am back with a new lesson of your book, that is Jellybean Journeys in Social Studies for Class 3 by Brain Root Publication. Kaise hain aap sab bachcho? I hope that you all are very excited and eagerly waiting for a new chapter of your book. Hai na? Maza aa raha hai na? Naye naye cheeze seekhne mein? आज हम हमारी मदरलैंड यानी हमारी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमारी कंट्री इंडिया एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध देश है, राइट? तो आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? आई एम श्योर आप सब तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। लेट्स बिगिन अवर जर्नी to unreveal the different facts of India. Let's begin the chapter. In this chapter, we are going to study about India's location and size. India kitna bada hai, kahan located hai, neighboring countries, yani hamare parosi jo desh hai, wo kaun kaun se hai, political divisions of India, yani India kis tarike se aur kitne hisson mein bata hua hai, states of India and their capitals and union territories. Okay, but before that, एक बहुत ही interesting exercise आप सब के लिए, ये आप खुद करेंगे। There is a word grid. देखिए इस grid में बहुत सारे alphabets हैं, ये एक puzzle है, ठीक है? आपको इन शहरों के नाम इस puzzle में ढूँढना है। For example, अगर हमें अहमदाबाद ढूँढना है तो see A H M E D A B A D. So Ahmedabad. All right? Ahmedabad. इस तरीके से आपको अलग अलग जो है वो ढूंढने हैं। एक एक ढूंढते जाइए और एक एक टिक करते जाइए। जैसे यहाँ पर है सूरत, S U R A T, सूरत। ये सब इम्पॉर्टेंट शहर हैं इंडिया के। ओके, तो आपको भी इसी तरीके से इसमें अलग अलग शहर ढूंढने हैं। सी दिस इज पुणे, ऐसे ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैदराबाद। ओके, देन यू ऑल्सो कैन फाइंड आउट मुंबई। तो इस तरीके से आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को मार्क करना है। तो ये आपका काम है, कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ आप खुद ढूंढेंगे। ऑल राइट, है ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी? सो ट्राई इट, आई एम श्योर यू विल एन्जॉय इट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैप्टर। चैप्टर शुरू करते हैं, आइए इंडिया के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। इंडिया एक बहुत ही बड़ा जो है देश है, और हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह तरह के लोग रहते हैं, राइट? They speak different languages, ये अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। Their dressing and eating habits are also different. अब हर किसी का ड्रेस पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, खाना पसंद नापसंद, सब कुछ अलग अलग हैं। They belong to different religions also, और सभी लोग अलग अलग धर्म के भी हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ जैन हैं, कुछ बुद्ध धर्म के हैं, राइट? तो अलग अलग लोग जो हैं इंडिया में एक साथ रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, वी ऑल आर यूनाइटेड इन अवर आइडेंटिटी एज इंडियंस। हम सभी भिन्न हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हम सबकी एक पहचान है कि हम सभी भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियंस, ऑल राइट? इंडिया लोकेशन एंड साइज, इंडिया के लोकेशन और साइज के बारे में पढ़ते हैं। हमने इससे पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, राइट? वी नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इंडिया एशिया का ही पार्ट है। इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया 7वें नंबर पे आता है जब हम कंट्रीज़ का साइज़ गिनते हैं। यानी कंट्रीज़ को अगर हम बड़े से छोटे में अरेंज करें तो इंडिया 7th नंबर पे आता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड।
बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया का, दिस मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन इंडिया. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया यानी भारत में रहते हैं. इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ. यानी अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो चार मेजर डायरेक्शंस क्या क्या है हमारे, हमारे चार जो मेजर डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. नॉर्थ में है हमारा जम्मू कश्मीर, ऑलराइट, जम्मू कश्मीर. और साउथ में क्या मिलता है हमारा, कौन सा एरिया है साउथ में, है तमिलनाडु, ऑलराइट. ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में है हमारा गुजरात, ठीक है. सो इंडिया के ये चारों कॉर्नर्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे शहर, बहुत सारे राज्य इंडिया में आपको मिलेंगे. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑलराइट. इट हैज़ बीन गिवन द स्टेट्स ऑफ NCT और नेशनल कैपिटल टेरिटरी. आगे बढ़ते हैं. नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, सी दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, और ये सभी हमारी पड़ोसी देश हैं, यानी नेबर्स हैं, हैं हमारे सभी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ऑलराइट. सी चिल्ड्रन, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया एंड दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. यानी ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं. इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 लार्ज वाटर बॉडीज, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. इंडिया के तीन तरफ जो है लार्ज वाटर बॉडीज है, देखिए कहाँ कहाँ, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, इधर इधर और इधर, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. आवर नेबरिंग कंट्रीज आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका. ये सभी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ऑलराइट. पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स यानी राज्यों की बात करें, सो एज ऑफ 2024 में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, यानी 24 स्टेट्स, 28 राज्य एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर सब डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट. इन स्टेट्स को फर्दर और छोटे छोटे हिस्सों में यानी डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है. वाइल द ओरिजिनल स्टेट्स वर प्राइमरली फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज, सेवरल न्यूली फॉर्म स्टेट्स शेयर कॉमन लैंग्वेजेस डिस्पाइट देयर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस. यानी कि शुरू शुरू में जब राज्य बांटे गए थे तब भाषा के अनुसार, यानी जो लोग एक तरह की भाषा बोलते हैं उनको एक राज्य में रखा गया था, लेकिन आजकल जो नए नए स्टेट्स आ रहे हैं उसमें मल्टीलिंगुअल स्टेट्स बन रहे हैं, यानी अलग अलग भाषाओं के लोग भी रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन्हीं सब स्टेट्स में से राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है, ओके. दिस इज़ द मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें हर राज्य को दिखाया गया है. लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी. यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स है यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है. एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल. हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी का अपना अपना कैपिटल है. जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है आपका लखनऊ. इसी तरह से वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, गुजरात का कैपिटल है अहमदाबाद. इसी तरह से अलग अलग प्रांतों के अलग अलग कैपिटल्स हैं, यानी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कैपिटल्स हैं, ओके. नाउ दिस इज़ अ लिस्ट, ये आपकी बुक में एक लिस्ट दी हुई है. देखिए लिस्ट में सबसे पहले आते हैं स्टेट्स, सारे स्टेट्स के नाम हैं, ठीक है, कैपिटल्स के नाम हैं, ये सारे ही स्टेट और कैपिटल के नाम हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं. जैसे आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, आसाम का डिसपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात का गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश का शिमला, कर्नाटका का बेंगलुरु, मध्य प्रदेश का भोपाल, मणिपुर का इम्फॉल. ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, बिहार का पटना, गोवा का पणजी, हरियाणा का चंडीगढ़, झारखंड का रांची, केरला का तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र का मुंबई और मेघालय का शिलांग.
और भी बाकी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के स्टेट्स एंड कैपिटल्स दिए हुए हैं। आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे ना केवल आपकी जीके इंक्रीज होगी बल्कि आपको पता रहेगा कि कौन से राज्य का कौन सा कैपिटल है। ऑलराइट, सो व्हेनेवर यू गेट टाइम यू ऑलवेज मस्ट लर्न ऑल दीज स्टेट्स एंड कैपिटल्स बाय हार्ट। ओके, सो दिस इज द वे इंडिया इज डिवाइडेड। आज हमने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के पढ़ा। यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज का मतलब होता है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, यानी जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सरकार लॉज एंड ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ताकि आसानी से चल सके। ओके, व्हाट ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी स्टडीड इन दिस चैप्टर। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न एशिया। Our neighboring countries are Pakistan, Afghanistan, Nepal, China, Bhutan, Myanmar, Bangladesh and Sri Lanka. India is divided into 28 states and 8 union territories. Okay? And last, New Delhi is the capital of India. New Delhi जो है इंडिया का capital है और उसको national capital territory के states दिए हुए हैं। Now let's do the exercises. जल्दी से एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमें कितना समझ आया चैप्टर। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान। द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लक्षद्वीप। लद्दाख इज अ स्टेट कंट्री यूनियन टेरिटरी विलेज। लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, राजस्थान, सिक्किम या तमिलनाडु। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, इंडिया इज द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। सेवेंथ पोजीशन पे आता है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है? एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। थर्ड, इंडिया इज सब डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, फोर्थ, द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियंस। अलग अलग धर्म जो है हमारे इंडिया के लोग मानते हैं, राइट, लेकिन हम सभी कौन हैं? भारतवासी हैं। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, New Delhi, right? New Delhi is the capital of India. Now let's move to exercise number C. Match the following. हमें जो states हैं उनको match करना है। So Punjab के साथ आएगा आपका चंडीगढ़, Goa के साथ आएगा आपका पनाजी, Assam के साथ आएगा Dispur, alright? Telangana, Mizoram के साथ आएगा Aizawl, एंड इसके बाद आएगा तेलंगाना के साथ हैदराबाद। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव कम्प्लीटेड द मैचिंग ऑल्सो। आपने मैचिंग भी कर लिया होगा। सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड द एक्सरसाइजेज। इन एक्सरसाइज नंबर डी यू हैव टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। यू हैव टू डू दीज आंसर्स ऑन योर ओन। हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। वी हैव explained and understood the chapter very clearly. So I hope that you would be able to do these questions on your own. So try them out. I am sure you would be able to complete them very quickly. So with this, we come to an end to today's chapter. I hope that you have understood about India. India ke kya kya parts hai, kahan located hai, kitna bada hai, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इंडिया का कैपिटल क्या है, ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों से फिर से मिलूंगी। आई विल अगेन कम बैक विद अ न्यू लेसन ऑफ योर बुक दैट इज़ जेली बीन जर्नीज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अ न्यू वीडियो वेयर वी वुड लर्न समथिंग मोर इंटरेस्टिंग अबाउट अवर अर्थ। ऑलराइट, सो till then, bye-bye and take care.